با ملاحظه هوشیار जिले सुभानी, एक मुकदमा पेशे दारा जिले सुभानी पेश किया जाए। जो हुक्म हुजूर। ये साहूकार लक्ष्मी नारायण हैं और ये अध्यापक श्रीकांत हैं जिले सुभानी। साहूकार लक्ष्मीकांत का ये कहना है कि अध्यापक श्रीकांत ने इनसे 100 अशर्फियां उधार ली, लेकिन अध्यापक श्रीकांत कहते हैं कि इन्होंने ये अशर्फियां उधार तो जरूर ली लेकिन ख्वाब में हुजूर, ख्वाब में। मुकदमा बहुत दिलचस्प है मुल्ला, इस मामले को तुम ही हल कर सकते हो। जो हुक्म हुजूर। जिल्ले इलाही का इकबाल बुलंद हो, महेश दास दरबारे आलिया में आने की इजाजत चाहते हैं। महेश दास, इजाजत है। दास, तुम बहुत ही अच्छे मौके पर आए हो। एक अजीब और गरीब मुकदमा अदालत के रूबरू है। जिले लाई, मैंने मुकदमा सुन लिया है। मुल्ला, हमारा यह ख्याल है कि यह मुकदमा महेश दास के सुपुर्द किया जाए। जिले सुभानी, महेश दास अभी तमसिन है। यह इंसाफ और कानून का मामला है हुजूर। तजुर्बे का दिमाग और उम्र रसीदा लोगों का काम है। मां बदौलत देखना चाहते हैं कि महेश दास अकल दानिश की किस मंजिल पर। जो हुक्म हुजूर। महेश दास, हम चाहते हैं कि इस मुकदमे को सुलझा कर इसका फैसला भी तुम ही करो। जिले लाही, क्या यह मुकदमा मेरी परीक्षा है? महेश दास, तुम ठीक समझे। जिले लाही, मुकदमा दिलचस्प भी है और पेचीदा भी। मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ा समय दिया जाए। तुम चाहे जितना वक्त ले सकते हो महेश दास, लेकिन याद रहे यह इंसाफ का मामला है। यकीन रखिए जिले इलाही, महेश दास आपके इंसाफ की कसौटी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है महेश दास। शुक्रिया जिले इलाही। सच सच मैं गरीब अध्यापक हूं महोदय। जो कुछ कमाता हूं उसमें संतुष्ट हूं, न किसी का लेना न किसी का देना। पर सारा गांव लक्ष्मी नारायण साहूकार से उधार लेता है। कर्ज वापस न करने की सूरत में लक्ष्मी नारायण साहूकार उनके घर और जमीन हत्या लेता है। एक शिक्षक होने के नाते ये बात मेरे मन को घुन की तरह खाई जाती है। लोग मेरे पास आते हैं, अपनी विपता सुनाते हैं। ये रात दिन का रोना धोना है, बस इसी चिंता के कारण।
कहते हुए शर्म आती है। ऐसी क्या बात है? बात संकोच मत करिए, कहिए ना क्या बात है? उधार, मुझे कुछ उधार चाहिए। उधार? आपको? हाँ, कितना चाहिए? मुझे 100 अशरफियां चाहिए। 100 अशरफियां? मगर ऐसा भी कौन सा प्रमाण पड़ा? काम बताने योग्य नहीं है। खैर, आप 100 अशरफियां लेते जाइए। लेकिन कोई लिखत पढ़त? कैसी बात कह दिया? और सुनो, लौटाने की चिंता ना करें, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। क्या बात है, क्या हुआ? अरे बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ? मैंने एक सपना देखा। सपना? कोई भयानक सपना था क्या? नहीं, विचित्र था। मैंने सपने में साहूकार से 100 अशरफियां उधार ली और बस आंख खुल गई। भगवान ना करे ऐसा हो। पर ऐसा सपना आया ही कैसे? सपना ही होता। हाँ, है तो सपना है। चलिए अब सो जाओ। हाँ, सो। पर ये तो सपना हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दोषी मैं हूँ। आप? वो कैसे? जिस रात इन्होंने सपना देखा उसके दूसरे दिन सुबह। कैसी है री जमुना? क्या बताऊं उर्मिला बहन, साहूकार का कर्जा है ये पीछा ही नहीं छोड़ता। बरसों से ब्याज भर रहे हैं और असल आज भी अपनी जगह है। ये तो हर घर की कहानी हो रही है। बस गांव में तुम्हारा ही है बच्चा जो साहूकार के चुंगल में नहीं फंसा। हाँ, ये तो प्रभु की दया है कि हम लोगों ने आज तक एक कौड़ी भी साहूकार से उधार नहीं ली। अरे अचंभे की बात बताऊं बहना, कल रात मेरे पति ने एक अनूठा सपना देखा। कैसा सपना? उन्होंने देखा कि लक्ष्मी साहूकार के यहाँ से वो 100 अशरफियां उधार ले आए हैं। हाय रे तैया, ये कैसा सपना देखा? हाँ चंदा, सुनती है क्या? हम लोग उधार लेते हैं साहूकार से जागते में। हाँ? और अपने शिक्षक श्रीकांत जी कर्जा लेते हैं सपने में साहूकार से। क्या? और हाँ, वो भी 100 अशरफियां। करीम भाई, भला कोई ऐसा सपना भी देखता? अरे मियाँ, ये पढ़े लिखे लोग बड़े काहियाँ होते हैं। काहियाँ जिनको रात और रात को दिन बना देते हैं। समझा नहीं करीम भाई, ये सच है सपना नहीं है। श्रीकांत जी और कर्ज मैं नहीं मानता। अरे वो तो खुद सारे गांव वालों से कहते कहते हैं कि कर्ज देना बुरी बात है, वो खुद कैसे कर्ज ले सकते हैं? अरे भैया, वो कहावत सुनी है ना तुमने कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं? और फिर ये जो नसीहत है ना, ये दिखावा है दिखावा। पर करीम भाई, इतनी बड़ी रकम श्रीकांत जी चुकाएंगे कैसे? पैसे दिया है तो चुकाना ही पड़ेगा। और फिर उसका नाम तो तुम जानते हो ना, साहूकार लक्ष्मी नारायण। यो भैया, हम ठीक कह रहे हैं ना? हाँ करीम भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक साहूकार ने गांव वालों की चमड़ी नोची है, पर श्रीकांत जी की तो वो खाल खींच लेगा। नमस्कार श्रीकांत महावे। कैसे कष्ट किए? कष्ट की क्या बात है, बस आप नहीं आए इसलिए मैं चला आया। बात क्या है? बात कुछ नहीं है जी, बस याद दिलाने चला आया। याद दिलाने? किसकी याद दिलाने? वही कर्ज लौटाने वाली बात। कर्ज? कौन सा कर्ज? जो मैंने आपको दिया था 100 अशरफियां। 100 अशरफियां? मगर कब दी थी आपने मुझे? लो, अब तारीख दिन और समय भी बताना पड़ेगा। अरे भाई, मैंने सपना देखा था। वाह अध्यापक जी, अच्छी चतुराई है। माल लेकर कहते हो सपना देखा था? हाँ हाँ,
मैंने सपना ही तो देखा था। पर मैंने सपने में कर्ज नहीं लिया। क्या क्या सबूत है आपके पास? सारा गांव साक्षी है। कोई साक्षी अक्षी नहीं, सब झूठ है। अध्यापक जी, इसका मतलब आप मेरा कर्जा वापस नहीं करोगे? हाँ भाई, अरे जो लिया ही नहीं तो वापस क्या करना? महोदय जी, मैं तो वापस लूंगा ही। कैसे लोगे? अरे कानून कायदा कोई चीज है या नहीं? मैं दरबार में जाऊंगा। साहूकार का धन लोहे के चने होते हैं, हजम नहीं होंगे। तो ये है सारा किस्सा। और ये सारा बखेरा हमरे कारण ही खड़ा हुआ। हम ही गांव वालों को जाकर सपने की बात बताएं। और गांव वालों से ये बात साहूकार तक पहुंची। और साहूकार ने सोचा कि अच्छा अवसर है बहती गंगा में हाथ धोने का। महजदास जी, का सारा कर्जा चुकाना पड़ेगा? क्या कह सकते हैं कि इंसाफ का तराजू किसकी ओर झुकेगा? फैसला तो दरबार में होगा। दरअसल ये है कि अध्यापक श्रीकांत ने ख्वाब देखा। ये ख्वाब उन्होंने अपनी पत्नी से बयान किया, उनकी पत्नी ने जमुना से और जमुना ने अपने पति से। धीरे धीरे ये बात यानी कि सपना करीम खान, क्यों करीम खान, तुम्हें यह बात किसने बताई? और तुमने इस बात को आगे बढ़ाया? कौन सी बात? यही ख्वाब वाली बात। ये सच है उजू? लेकिन ये ख्वाब वाली बात तुमने हकीकत में कैसे तब्दील कर दी? मैं समझा नहीं। अरे तुमने तो कहा था ना कि ये ख्वाब नहीं है, अध्यापक श्रीकांत ने सचमुच कर्ज लिया है। ये झूठ है हुजूर, हमने ऐसा तो नहीं कहा था। तो फिर तुमने क्या कहा था? हमने कहा था हुजूर, ये ख्वाब नहीं होगा, इसने सचमुच कर्ज लिया होगा। लिया होगा क्या? लिया है क्यों हुजूर? हमारा पैसा है। तो तुमने सारी बात की हजामत कर दी। बताओ ऐसा तुमने क्यों किया? हुजूर, हमारे पेशे में एक साथ दो दो कैंचियां चलानी पड़ती हैं। दो दो कैंचियां? हाँ हुजूर, एक लोहे की कैंची बाल कतरने के लिए और दूसरी जबान की कैंची ग्राहकों का दिल बहलाने के लिए। तो तुमने भी ख्वाब ही सुना? जी हुजूर। अब बताओ साहूकार, क्या सबूत है तुम्हारे पास के तुमने 100 शर्फियां उधार दी? गांव वाले गवाह हैं जी। लेकिन गांव वाले तो कहते हैं कि ये ख्वाब है। ख्वाब? किसका ख्वाब हुजूर? श्रीकांत का ख्वाब। मेरा तो ख्वाब है नहीं हुजूर। अच्छा, गांव वालों के अलावा और कोई सबूत है तुम्हारे पास? और क्या होगा? वही जो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा, गांव वालों में से यहाँ कोई ऐसा मौजूद है जिसको तुमने कर्ज दिया था? जी हाँ हुजूर, ये करीम खान। अच्छा, जब करीम खान को तुमने कर्ज दिया था तो उसका अंगूठा या दस्तखत कागज पे लिए होंगे? जी हाँ हुजूर। क्यों? लिखत पढ़त के बिना सबूत क्या होगा? इसका मतलब जिसको कर्ज दिया उसे लिखवा लिया। सच है? ये सच है हुजूर। श्रीकांत जी से लिखवाया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार इंसान है। और सारा गाँव वही मान? नहीं हुजूर। इसका मतलब तुम्हारे पास कोई और तहरीरी सबूत नहीं है? मगर गाँव वाले हैं। श्रीकांत को कर दिया था तो कोई गांव वाला मौजूद था? अरे कोई मौजूद नहीं था हुजूर, ये झूठा है। मैंने ही इसको बताया था कि श्रीकांत जी ने ख्वाब देखा है, और जब इसने देखा कि बात सारे गांव में मशहूर हो गई है तो इसने मौके का फायदा उठाया और झूठा मुकदमा दायर कर दिया अध्यापक जी पर। हुजूर, क्यों साहूकार लक्ष्मी नारायण? जी सरकार। तो तुमने कर्ज दिया था? किसको? अध्यापक श्रीकांत को। कौन श्रीकांत? बस मालूम हुआ कि ये साहूकार झूठा है, मक्कार है। रहम, रहम अलम्पना, मैं लालच में अंधा हो गया था।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए आलम कर। खामोश महेश दास, हमारा हुक्म है कि इस बेईमान की सजा भी तुम ही तजवीज करो। जिल्ले, इसके फैसले का इख्तियार भी मुझे दिया गया है। बेशक महेश दास, फैसला भी तुम्हें सुनाओ। तो इसकी सजा यह है जिल्ले इलाही, इसकी 100 शर्फियां इसे वापस मिल जाए। श्रीकांत जी एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। भले ये कर्ज उन्होंने ख्वाब में लिया, अगर उसे चुकाएंगे नहीं तो उनकी आत्मा उनके जमीर पर एक बोझ रहेगा। मगर ख्वाब में दिया हुआ कर्ज किस तरह वापस किया जा सकता है महेश दास? ख्वाब में? ख्वाब में? गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, मैंने तो पहले ही अर्ज किया था कि महेश दास अभी कमसिन है और ये कानून और इंसाफ का मामला है। आलमपना, ये दरबारे अकबरी है जो अपने अपनों इंसाफ के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं, कोई तमाशे नहीं। जापना, मुझे इस बात से इनकार नहीं है जिले लाई कि दरबार अकबरी में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इंसाफ के तकाजों में खून का बदला खून है तो ख्वाब का बदला ख्वाब नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम साहूकार का कर्ज ख्वाब में वापस करोगे? जी हाँ जिले लाई। जिले सुभानी, लगता है कि महेश दास के पास कोई तिलिस्म है, कोई जादू है कि वो दिन को रात बना देंगे, सूरज की जगह चांद खिला देंगे और आसमान पर तारे भी छा देंगे, शायद ये उजाले को अंधेरा भी कर देंगे। हुजूर, गुस्ता की माफ हो जिले इलाही, अंधेरा और उजाला तो आंखों में बंद है। आंखें बंद कर लो तो अंधेरा है और आंखें खोल दो। ये दलील अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मां बदौलत सिर्फ ये देखना चाहूंगा कि ख्वाब में लिया हुआ कर्ज तुम ख्वाब में कैसे लौटाओगे? जिले लाई, आप खुद देखेंगे कि ये कर्ज कैसे अदा किया जाए। साहूकार लक्ष्मी नारायण, ये रही तुम्हारी 110 अशर्फियां, तुम्हारा कर्ज और उसका सूद। झिझको मत, फैसला तुम्हारे हक में हुआ है, ये अशर्फियां तुम्हारी हैं, उठा लो। उठा लो। क्या हुआ साहूकार? ये अशरफियां मैं नहीं ले सकता। क्यों? ये तो शीशे में है, ये अशरफियां नहीं, इनका अक्स है, प्रतिबिंब है। हाँ, ये प्रतिबिंब है, अक्स है, असली अशर्फियां बाहर है ऊपर। साहूकार लक्ष्मी नारायण महाशय, सपने में दिया हुआ कर्ज भी प्रतिबिंब है, अच्छा जैसे तुमने दिया था वैसे ही तुम्हें वापस लेना पड़ेगा, अगर ले सकते हो तो ले लो। नहीं ले सकता महाराज। वाह, सुभान अल्लाह महेश दास, सुभान अल्लाह, तुम्हारा यह दिलचस्प और अनोखा फैसला वाकई काबिले तारीफ है। हम तुम्हारी अक्ल और दानिशमंदी के कायल हो गए। ज़हे नसीब, लेकिन हमारा फैसला अभी बाकी है। जादी जिले लाई, हमारा फैसला है तुम्हारा इनाम।
यह ऐलान करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि महेश दास को 50 गांव की जागीर अता की जाती है। महेश दास, तुम्हारी वीरता और बुद्धिबल के लिए तुम्हें बीरबल का खिताब दिया जाता है। और मां बदौलत बीरबल को अपने रत्नों में शामिल करते हैं।